देश में पकौड़े पेट में, हटा की नहीं। आइए आइए पकौड़े खाइए, पीएचडी प्रोफेसर के हाथों के बने पकौड़े, एमबीए वाले की चाय तो पियोगी, आज पीएचडी प्रोफेसर के हाथों के बने पकौड़े भी खा लीजिए। आइए आइए, पीएचडी करी हुई प्रोफेसर के, जिसको गलत तरीके से निकाला उसके पकौड़े चाहिए। आइए बेरोजगारी की स्पेशल चाय पीजिए, बेरोजगारी की स्पेशल पकौड़े खाइए। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की हुई डिग्री प्रोफेसर डॉक्टर रितु पकौड़े बना रही है, आइए खाइए और स्वाद देखिए। जुमला पकौड़ा कहाँ है सबसे पहले मेन्यू में? वही नाम डाल इसी कड़ी में मैं पहुंच गया हूं प्रोफेसर रितु के ठेले पे। यहां बिक रहे हैं पकोड़े और ये ठेला है प्रोफेसर रितु का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी। बेरोजगारी, नौकरी छीन ली गई है और नौकरी छीनने के बाद में 190 दिन का यहां पर प्रोटेस्ट धरना, उसके बाद में आज प्रोफेसर रितु ने खोल ली है पकौड़ों की दुकान। प्रोफेसर की पीएचडी पकौड़ों की दुकान, आज तक आपने सुना होगा बीए चाय वाला, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो रितु पकौड़ों की दुकान, आखिरकार यही ऑप्शन था? यही ऑप्शन है हमारे लिए। हमारे लिए या तो इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स बचे हैं, या तो हमारे लिए बेफालतू के धाराएं लगा के जेले पोट पर्चे बचे हैं। ये जल जाएगा इसके साथ लगेगा, जल जाएगा। तो पकौड़े जो है वो तले जा रहे हैं और ये उधर चाय बन रही है, इधर पकौड़े तले जा रहे हैं। प्रोफेसर रितु जो वो कह रही हैं कि हमारे लिए यही बचा है, या तो हम पकौड़े तलें, नौकरी है नहीं, नौकरी छीन ली जा रही है, या फिर हमारे शिक्षण संस्थानों में हम जो आत्महत्या कर लें, रोहित वेमुला बन जाएं। रोहित वेमुला नहीं बनना है। तो कौन कौन से पकौड़े हैं मेनू में, क्या क्या है भाई साहब? जुमला पकौड़ा। जुमला पकौड़ा की क्या खासियत है? जुमला पकौड़ा की वो खासियत है जो कभी वो नहीं होता, आपको कभी नहीं मिलता। अच्छा, रुक जाओ दो मिनट। तो ये जो इतने देर से लोग खड़े हैं जुमला पकौड़े में, ये जुमला पकौड़े आप इनको जुमला दे रही हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनको तो पकौड़े मिलने वाले नहीं है, तुम्हें जुमला पकौड़ा नहीं मिलेगा, बाकी सारे मिलेंगे, जुमला पकौड़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, जुमला पकौड़ा जो है वो नहीं मिलेगा। आप कह रहे हो कि यही रास्ता है, तो ये अब ठेली जो आपका पकौड़ों की ठेली है कहाँ कहाँ लगाई जाएगी? ये पकौड़े की ठेली हर जगह लगाई जाएगी, पूरा जगह जाया जाएगा, प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी जाया जाएगा। प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी लगाओगे आप ये ठेली? प्रधानमंत्री घर के बाहर भी? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री के घर के। इसको धो लो, इससे डालना, इसको धो लो। ग्राहक बहुत ज्यादा है और लोग जो है वो टोकन लेकर के खड़े हैं पकौड़े खरीदने के लिए। जैसा प्रोफेसर रितु ने बताया कि जुमला पकौड़ा जो है वो हम सिर्फ जुमला दे रहे हैं, देंगे नहीं, बाकी दूसरे प्याज के, हरी मिर्च के, आलू के जो पकौड़े हैं वो मिलेंगे। और बताइए क्या कहना चाहोगे आज इस ऐतिहासिक, आपने जो ये लॉन्चिंग की है यहाँ पर? देखिए, ये लॉन्चिंग करी है, ये बहुत खुशी की बात नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ये करना पड़ रहा है, ये पीड़ा है कि अब हमें ये सब करना पड़ रहा है। ये वो चीज़ है कि जब आपके पास कोई इस तरीके से झूठ बोल बोल के दलित आदिवासी वंचितों का, पिछड़े समाज का सब छीन लिया, कुछ नहीं रखा, कोई नौकरी कोई रोजगार नहीं रहने दिया, सब महंगा कर दिया, शिक्षा शैक्षणिक संस्थान जितने थे हमारे लिए एजुकेशन के वो बंद कर दिए। भैया मजदूर के बच्चे, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हैं जवान के बच्चे कैसे आएंगे, शिक्षा इतनी महंगी है। तो हमारे लिए ऑप्शन बचता है ये कि आओ, मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो, अब मैं बोल रहा हूँ सोच के बोलना, जो झूठ बोलोगे उसको पूरा ऐसे करेगा युवा, युवा आपके घर के बाहर आएगा और पहले पूछेगा नाली में से गैस कैसे निकलती है, युवा पूछेगा कि मेरे माँ बाप 70 साल से सीवर में उतर रहे हैं, अभी तक सीवर में ही उतर रहे हैं, कहाँ गया विश्वगुरु, कहाँ गया भारत, और भैया मेरे पास तो 25-25, 30-30 लाख रुपए नहीं है देने के लिए, यहाँ नौकरी लेने के लिए है, मेरे घर को चोट दे दी, सबको अटैक कर दिया, तो मेरे पास तो यही ऑप्शन बचता है ना भाई कि मोदी जी लो, कहा आपने झूठ, हमने कर दिखाया। तो ये प्रोफेसर रितु हैं और इनके सहयोगी हैं जो पकौड़े तलने में मदद कर रहे हैं, चाय जो है वो बनाई जा रही है, पकौड़े तले जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और बात इसलिए भी करूंगा ताकि पता चल सके, इधर चाय का रविंदर कुमार जी के नेतृत्व में चाय जो है वो बांटी जा रही है, और मैं और कई लोगों से बातचीत कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। उधर कुछ युवा साथी हैं जो है वो नारे लगा रहे हैं, बड़े उत्साहित हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? सब स्टूडेंट हैं और स्टूडेंटों की कंप्लेंट है कि धरने की वजह से, पकौड़ा बेचने की वजह से आपको शिक्षा लेने में दिक्कत आ रही है। देखो, आंदोलन और जितने भी प्रोटेस्ट रहते हैं वो यूनिवर्सिटी की खूबसूरती रहती है, वो बताते हैं कि जब जब ये सरकार जुल्म करेगी तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के मेन सेंटर में खड़े होकर उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।
तो जो स्टूडेंट कह रहे हैं, पता नहीं कौन कह रहे हैं, हमको पता ही नहीं, सारे स्टूडेंट मेरे आसपास जितने सारे हम स्टूडेंट ही हैं, और तमाम स्टूडेंट जिनको, क्योंकि आज तो हमने ये साइलेंट कॉल दी थी, जब बड़ी कॉल देते हैं तो स्टूडेंट तमाम स्टूडेंट रहते हैं, हमें समझ नहीं आता ऐसे कौन से स्टूडेंट है, कौन से ऐसे RSS ने स्पॉन्सर्ड करके स्टूडेंट को फालतू का बना के, डॉक्टरी तो केस में 40 स्टूडेंट फर्जी बनाए थे ना, ऐसे स्टूडेंट अभी फर्जी बना दे। हम बताते हैं बार बार कि कैंपस में जब जब आंदोलन होते हैं, कैंपस में जब जब अन्याय के खिलाफ आवाज़ें उठती हैं, तो वो यूनिवर्सिटी की खूबसूरती होती है, यूनिवर्सिटी की असली ताकत होती है, कि यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाया जाता है कि जब 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 हम लोगों पर या जब जब आम जनता पर आप अत्याचार करोगे, जब जब यहाँ के दलितों पर, यहाँ की महिलाओं पर, यहाँ के आदिवासियों पर, इस देश के या आओ ये पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ जुल्म होते हैं, उन कैंपसेस से आवाज़ उठती रहनी चाहिए, उन कैंपसेस की गलियों से आवाज़ उठती रहनी चाहिए, क्योंकि वही पढ़ाई का असली मतलब होता है। वही पढ़ाई का असली मतलब है। मेरे साथ तो क्या नाम है आपका? इशिका। इशिका जी, क्या कहना चाहोगे? पकौड़ों की दुकान खुल गई है? बिल्कुल खुल गई है। जैसे BTech चाय वाला है, ये वो है मेनू है जिसमें कि आपको बताया गया जुमला पकौड़ा, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। मैंने प्रोफेसर रितु से पूछा कि जुमला पकौड़ा क्या है, बोले भाई साहब इसमें सिर्फ पैसे लिए जाएंगे, पकौड़े दिए नहीं जाएंगे, सिर्फ जुमला जो है वो दिया जाएगा। जिस प्रकार से मोदी सरकार पहले वैकेंसी निकालती है, फॉर्म भरवाती है, फिर पेपर लीक कर देती है। तो हमारे साथ अपेक्षा है, अपेक्षा बताओ क्या कहना चाहोगे, ठेली चाय और पकौड़े? ये तो बहुत बदकिस्मती की बात है कि अगर एक प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर वो आके उसको एट लास्ट में अपने पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हैं, ये सरकार आपको जस्टिस नहीं देगी, ये सरकार मतलब आपको इतने हद तक आपको सप्रेस कर देगी कि एट लास्ट में आपको या तो हमारे साथ में या तो आत्महत्या करते हैं हमारे बच्चे, या फिर एट लास्ट में आपको ऐसे आके ठेला लगाने पड़ते हैं। और ये जो ठेला लगा है वो ये बात नहीं है कि हम लोगों को कोई नई चीज़ करनी है। द थिंग इज, जैसे अगर मोदी जी बोलते हैं ना कि आप मंदिर के बाहर भी बैठो वो भी आपका रोज़गार है, आप भिखारी भी हो वो भी आपका रोज़गार है, तो एटलीस्ट हमारी जो प्रोफेसर है वो पकौड़े बेच रही है अपनी मेहनत से, तो कम से कम वो कमा तो रही है। आपकी जैसी तो नहीं है कि आपने बोल दिया कि हमने चाय बेची है, आपका प्रूफ भी नहीं है हमने चाय बेची है कि नहीं बेची। थोड़ा सा इसको हमारे दर्शकों को बता दो, जुमला पकड़ो हमने बता दिया, ये DRC स्पेशल चाय, ये क्या, इसका क्या मतलब है, थोड़ा बताएं आशुतोष साहब बताएं। वो इसका मतलब ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो अपनी MA तक की डिग्री नहीं दिखा रहा, चलो वो तो सेकेंडरी मामला है। अब इस यूनिवर्सिटी से अपेक्षा साथी अपेक्षा ने बोला कि इस यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, जो जिनको मतलब नहीं कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जिनको मतलब नहीं कि लड़ाई और पढ़ाई का मतलब क्या होता है, वो आते हैं यहाँ पर आर्ट्स फैकल्टी पर आकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर मतलब जिनको इतना नहीं पता कि एजुकेशन का क्या महत्व है, स्टूडेंट्स एजुकेशन से क्या सीखते हैं, क्योंकि एजुकेशन इस देश को बदलने का काम करती है। एजुकेशन कभी मतलब नहीं होता कि RSS में जाके जो रिक्रूट हो रहे हैं, RSS में जाके ये फांसीवाद की अपनी ताकतों को बढ़ावा दो। तो ये जो DRC की स्पेशल चाय ये बताती है, उससे पहले देखो मैं बता दूं, पहले जुमला पकौड़ा पूरे मेन्यू एक बार समझा देता हूँ, 2 मिनट लूंगा, कि जुमला पकौड़ा किस देश का प्रधानमंत्री, इस यहाँ का ये वाइस चांसलर, क्योंकि 19 तारीख को जब हमारा महा आंदोलन था यहाँ पर, तब हमको बुलाया, हमसे बात की, उसका जुमला दे दिया, ये उससे रिलेट करता है, इस देश की बेरोजगारी से रिलेट करता है। दूसरा DRC स्पेशल चाय, कि DRC के अंदर एक ऐसी प्रिंसिपल घुसी हुई है, ये इस नॉर्थ कैंपस का सारे DRC बोले तो दौलतराम कॉलेज, हाँ दौलतराम कॉलेज, इस नॉर्थ कैंपस के ज्यादातर कॉलेज के अंदर ऐसी प्रिंसिपल घुसी हुई है जो डायरेक्ट RSS से संबंध रखती है, जो डायरेक्ट RSS की पर्ची पर चल रही है। इसलिए DRC स्पेशल चाय, उनको चाय पिलाकर, जैसे जिस तरह मुझ पर चाय फेंकी ना, आप लोग चाय फेंको, आप लोग समाज बिगाड़ो, हम लोग चाय पिलाएंगे और समाज को सुधारेंगे। और दूसरी बात है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चाय, मतलब ये जो हमारे ये जो 5 मुद्दे थे ना हमारे इस प्रोटेस्ट डिमांड को लेकर, उन 5 डिमांड में से रखा गया है यहाँ पर, कि जो या आप एकदम से जो NFS करके जिनको बाहर निकाला जा रहा है, NFS करके जिनको ज्यादातर वो ST OBC और महिलाएं होती हैं, उनको तुरंत स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर उनको यहाँ पे भर्ती दो। तीसरा है ST OBC बैकलॉग, मतलब पकौड़ा बैकलॉग पकौड़ा, कि इस यूनिवर्सिटी में तमाम ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ST OBC को NFS करके बाहर भेज रहे हो, कह रहे हो बाद में वो बैकलॉग खाली रह रही है, तो उससे रिलेट करता है ऊपर वाला स्पेशल रिक्रूटमेंट जो है। आप आशुतोष थे, उधर मैंने रितु से बात की और तमाम स्टूडेंट जो हमारे रितु के साथ जुड़े हैं उनसे बात की। स्पेशल बात इस पूरी बातचीत में यह है कि प्रोफेसर रितु ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी बेरोजगारी का हल है, तो चलिए एक पकौड़ा बेच करके एक प्रोफेसर जो PhD है वो आप उसको नौकरी से निकाल लें, तो वो कम से कम यहाँ चाय पकौड़ा बेच रही है।